रिटेल चेन कंपनियों की तरफ से पिछले साल रिकॉर्ड नए स्टोर खोले जाने के बाद इस साल उन्होंने नए स्टोर खोलने की गति को धीमा किया है। अर्थव्यवस्था में घटती खपत को देखते हुए रिटेल चेन कंपनियों ने यह कदम उठाया है। सबसे बड़ी रिटेल चेन कंपनी रिलायंस रिटेल ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान रिकॉर्ड 2376 नए स्टोर्स खोले थे और इस साल दिसंबर तक केवल 1276 स्टोर्स ही खोले हैं। टाइटन, वी मार्ट और एवनी सुपर मार्ट ने भी कुछ इसी तरह का ट्रेंड दिखाया है। अंशुमान जी, रिटेल चेन अपने आउटलेट खोलने में सुस्त नजर आए हैं, क्यों ऐसा आपको लग रहा है? भारत के ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में जो सबसे बड़ा एक्सपेंशन दिखाई दिया था प्रियंका, वो दिखाई दिया था टियर टू और टियर थ्री सिटीज में, जहां जियो मार्ट ने, वी मार्ट इन कंपनियों ने बड़े शहरों से अलग जो छोटे शहर हैं, जहां ये माना जा रहा था कि कंजम्पशन का नया बूम आने वाला है, उन शहरों में अपने स्टोर खोले थे। छोटे स्टोर थे, छोटे साइज के फॉर्मेट के स्टोर थे, जहां पर आमतौर पर गारमेंट और फूड ग्रॉसरी के स्टोर खोले गए थे। पिछले एक साल में इन बाजारों से बड़ी डिमांड नहीं निकली और वो उसका रिफ्लेक्शन आपको रिटेल कंपनियां, तो कुछ लिस्टेड नहीं है तो उनके सेल्स में नहीं दिखता, लेकिन ये कंपनियां जिन प्रोडक्ट्स को बेच रही हैं उन कंपनियों के स्टॉक्स में, उनके रिजल्ट्स में इसका असर हमें दिखता है, चाहे वो हिंदुस्तान लीवर हो या प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो या डाबर हो। तो जो कंजम्पशन डिमांड इन छोटे शहरों से या मझोले शहरों से निकलने वाली थी वो नहीं निकली और इस वजह से रिटेल कंपनियों को अपने अगले साल की योजनाओं को सीमित करना पड़ा। दूसरी एक बात यह कि कई जगह ओवर कैपेसिटीज क्रिएट हो गई। रिटेल कंपनियों के लोग मानते हैं कि कई सारे शहरों में उन्होंने एक्सपेंशन किया, वहां रियल एस्टेट पर की काफी कॉस्ट होती है, जब रिटेल सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड रिटेल अपना एक्सपेंशन करता है तो उसकी सबसे बड़ी लागत में रियल एस्टेट होती है, किराया होता है, उस तरीके के डिमांड और उस तरीके के रिटर्न्स भी नहीं आए। तो हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड यहां से भारत के रिटेल सेक्टर में एक किस्म का रीऑर्गेनाइजेशन दिखाई देगा। आने वाले समय में कंपनियां अपने प्रॉफिट सेंटर्स को सही ढंग से समझेंगी और जिस तरीके का एक्सपेंशन हर बाजार में दिखाई दे रहा था वैसा हमें नहीं दिखेगा। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर महंगाई का है, क्योंकि लोगों की कंजम्पशन लगातार कम हुआ है, गिरा है, जो कि हम बराबर बता रहे हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण वजह है। तो कंपनियां अब धीमे धीमे अब बाजार की इस हकीकत को परखने की कोशिश कर रही हैं कि कहां कितना रिटेल की डिमांड दिखाई दे सकती है।